इस ऑपरेशन में कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। जापानी फौज का खात्मा करके ही हम यहां से जाएंगे। तुम्हारे आत्मविश्वास की दाद देता हूं मैं। संभल के जाना। बी केयरफुल। सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है। बम फटते ही सब कुछ खा के मिल जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत मजा आ रहा है ना? सही वक्त पे हमला बोल दिया। यहाँ क्या हो रहा है? सब इधर उधर भाग रहे, यही सही मौका है। रुको, जल्दी मत कर, थोड़ी देर इंतजार करेंगे। ये सब ले जाओ। ओके सर। बॉब, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो। हम चुपके से जाकर पहली मंजिल पर जो कमांडर उस पर अटैक करेंगे। ओके। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, संभाल कर रखो। वो कमांडर का बच्चा बाहर ही नहीं है। सोचने से कोई फायदा नहीं, चलो अंदर चलते हैं। क्या कहते हो? ठीक है, चलो चलो। बुझाओ, जल्दी करो, जल्दी बुझाओ। अरे पानी ले आओ, पानी पानी ले आओ, जल्दी। हाँ, बुझाओ। लगता है कोई बड़ा अफसर यहां आ रहा है। अभी इसे भी निपटना पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं। खैर चलो। कौन हमला कर रहा है? पता नहीं सर। दुश्मन यहां से बच के जाने ना पाए सर। चलो। बाहर ब्लास्ट और गोलाबारी हो रहे हैं, ऐसे मौके पर अब कहां निकल पड़े? आपका किसने कहा है कि मैं बाहर जा रहा हूं? आपके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। उस स्वर्ण नाग के लिए जा रहे हैं ना? आपका हर कदम का मुझे पता है। मुझे पहले से ही आप पर शक था। आपकी तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। मुझे कब क्या करना है यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसी वजह से उस स्वर्ण नाग को हासिल करने के लिए मैं फिलीपींस जा रहा हूं। इस हालात में आप ये फौज छोड़ नहीं सकते। मैं हरगिज जाऊंगा। मैं हेडक्वार्टर में आपके बारे में रिपोर्ट कर दूंगा। जंग के दौरान मैं आपको जाने की परमिशन नहीं दे सकता। सिर्फ तुम क्यों, कोई भी मेरा बाल बका नहीं कर सकता।
उस स्वर्णनाग को हासिल करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं अपना मकसद छोड़ नहीं सकता, छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी बात मानिए, सरकार आप पर कार्रवाई करेगी। ये बात है तो फिर मैं क्या? Come on, मेरे साथ चलो। Yes sir. Sir. Aerodrome चलो। ए जॉन, कमांडर कहीं बच के भाग रहा है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जल्दी करो, जल्दी बुझाओ, रेत लेके आओ, पानी पानी ले जाओ, जल्दी। देख लेना। सर, सर क्या हुआ सर? बताता हूं, कमांडर ने मुझ पर गोली चलाई। ये बात है जॉन, क्या है? क्या ये मर गया? लगता है कमांडर ने प्लान किया है, इसीलिए अपने ही आदमियों को मारा है। किसी भी कीमत पर हमें उसे ढूंढना ही होगा, हम उसे पकड़ के रहेंगे, समझ गए ना? मेरे साथ आ जाओ। उसे पकड़ना ही होगा। हाँ, उस जल्दी मत कर। वहां एक चेक पोस्ट आएगा, उसे कैसे पार करेंगे? वैन का पीछा करते हैं। उधर देख, वो वहां है। जल्दी ये सब ले जाकर अंदर रखो। दो अमरीकी फौजी आ रहे हैं, उन्हें नहीं छोड़ना। शूट कर रहे हैं। Thank you.
हे बॉब मिस्टर चलो कहाँ? हम उस फ्लाइट से जाकर उसे पकड़ेंगे, इसीलिए तो इसे चढ़ रहा था। अच्छा इससे चलेंगे। के लिए तैयार हो? तैयार हो। अच्छा लग रहा है ना, उनकी सरजमीं पे आके उन्हीं की फ्लाइट से हम जा रहे हैं। अगर कमांडर हमारे हाथ लग गया तो हमारा काम भी खत्म। इतनी आसानी से वो हाथ लगेगा? उसे किसी तरह पकड़ना होगा, तभी जापानीज के प्लान की सारी जानकारी हम अपनी फौज को दे पाएंगे। सामने देख। तुम बेफिक्र रहो, वो जरूर हमारे हाथ आएगा और हमारे सुपीरियर्स हमसे बहुत खुश होंगे। उसमें कोई शक नहीं। जरा वहां देखो। हम भी तुम्हें पकड़ नहीं आ रहे हैं। जल्दी से उन पर फायरिंग शुरू करो। जल्दबाजी नहीं मेरे दोस्त, अगर हम यहीं से फायरिंग शुरू करेंगे तो वो लोग बच के निकलने की कोशिश करेंगे, उन्हें जरा भी शक नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? ओके। ऐसी कई फ्लाइट मैंने चलाई है लेकिन इस तरह आसमां पे कभी चेस नहीं किया, इसमें भी एक मजा है। चुपचाप अपना काम कर। लगता है हमें कोई फॉलो कर रहा है कमांडर, इसकी खबर कंट्रोल रूम को कर दूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, वो हमारे ही पीछे पड़ गए हैं, पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं। चुपचाप हमें फॉलो करो। वरना शूट कर दूंगा, तुम्हारे जान की खैर नहीं। वो अमेरिकन हमें फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या करूं। हमें उनकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें शूट करो। मैं बात कहना चाहता हूं, आप बुरा मत मानिए, उन्हें शूट करने से नुकसान हमारा ही होगा क्योंकि वो फाइटर प्लेन हमारा ही है। मुझे मशवरे की जरूरत नहीं है, जो कहा है वो करो। वो लोग भी चालाक हैं, बेचारे बचने की कोशिश में लगा हुआ है, वो किसी भी सूरत में बच ही नहीं सकता। मुंह क्या देख रहे हो, गोली चलाओ। अब हम गोली नहीं चला सकते, बुलेट्स खत्म हो गई हैं। पता था ना हम मेकाओ जा रहे हैं, फिर बुलेट्स कम लेकर क्यों आए हो? वहां बुलेट्स की जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा था वहां से हथियार लाएंगे, इसलिए हम आपके साथ चल पड़े। मुंह बंद कर और जिधर मैं कहता हूं उधर प्लेन घुमा। ये क्या, फ्लाइट बेकाबू होके उड़ रही है? उधर क्या हो रहा डैमेज? हम दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए ही उस कमांडर ने यह सब प्लान बनाया होगा, हमें भी हर हाल में वही उतरना चाहिए। फ्लाइट को लैंड नहीं कर सकते इसलिए तुम फ्लाइट से कूदो। क्या कहा? सुना नहीं, पैराशूट पहन के कूदो। चुप बेवकूफ, मैं अकेला वहां जाकर उन लोगों को आसानी से पकड़ना नामुमकिन है। मैं मजबूर हूँ, फ्लाइट को लैंड नहीं कर सकता इसलिए तुम्हें उतरने के लिए बोल रहा हूँ मेरे दोस्त।
एक और बात, फ्लाइट में सिर्फ एक ही पैराशूट। ठीक है ठीक है, मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम होशियार रहना, सिग्नल मिलते ही चले आना। अच्छा। वो बहुत ही खतरनाक आदमी, इसलिए तुम्हें चौकना रहना होगा, उसे किसी भी तरह जिंदा पकड़ना होगा, क्योंकि हमारी सरकार से बहुत सालों से ढूंढ रही है। वो सब मैं देख लूंगा, पहले तुम नीचे जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा सिग्नल मिलते ही चले आना। ठीक है। तो तुम बच के भाग नहीं सकते, रुक जाओ। मुझे कुछ मत करो। नहीं, मुझे छोड़ो। इस जगह के बारे में तुम्हें चित्र पता है ना? जल्दी आ जाओ।
जल्दी आ जा, बैठ जा। इस इलाके में यही धंधा है क्या? हाँ साहब, जल्दी आ जा, बैठ जा, आ जा, आ जा, आ जा, जल्दी आ जा, दो टिकट दीजिए, ये लो। मेरे साथ चलिए साहब। मैं तो जीत गया। बहुत अच्छी बात है, तुम पैसे लेके जाओ। ये पैसा मैं फिर से शर्त में लगाऊंगा। अरे ऐसा मत कर, डूब जाएगा। मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और यहाँ आके लुटाते हैं। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। हेलो बॉब, क्यों भाई धंधा बदल के काफी कमाने लगे हो? अच्छी कमाई हो रही है, खुश तो हो ना? सॉरी, ऊपर गिरते हो फिर सॉरी बोलते हो? लगता है मुझसे काफी खफा है। अच्छा ये बताओ, वहाँ से आने के बाद मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अरे मुर्गे कभी बनते हैं। ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं? अब इन पर बैट लगाना पड़ेगा। अरे तू उन्हें क्यों देख रही है? मैं पैसा दिया मुझे देखने के लिए। करो हाँ, लड़ो जोर से लड़ो। यहाँ लोग सिर्फ मुर्गों पर नहीं, तुम पर भी शर्त लगाएंगे। हाँ, तुम्हारा मुर्गा भी जल्दी हार नहीं मानने वाला। अरे इसको पर लगाओ, इसको पर लगाओ। ये लीजिए आपकी टोपी। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी सॉरी, कहाँ कहाँ क्या क्या है कुछ भी पता नहीं चल रहा। आप सॉरी। कैसा रहा? कौन कौन लड़ रहे थे? यहाँ सिर्फ मुर्गे ही लड़ते हैं। तुम्हें देखे मुझे तरस आ रहा है। तुम्हें फ्लाइट से ड्रॉप करने के बाद दो दिन तक मैंने जंगल के पास तुम्हारा इंतजार किया। मैंने वहां चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन तुम नहीं मिले।
तुम खुदाओगे सोच के मैं वहां से निकल गया। अगर तुम वही रहते तो अब तक आदि मानव बन गए होते। बकवास बनकर, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। खैर सुनो, मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ तक आया हूँ तो उसके पीछे भी एक वजह है। अरे थोड़ी देर आराम करने दे, बाद में बात करते हैं। तुमने मेरे पिटाई की, फिर भी उस भीड़ से बचाई, उसका इनाम है ये। रख लो, कभी काम आएगा। एक साल जंगल में रहने के बाद पैसों की काफी तंगी आ गई होगी, इनकार मत करना। फिलहाल इसे रख लो, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ, उसे खत्म करने के बाद और भी दूंगा। मैं कुछ देर आराम करूंगा बोला था ना, अगर डिस्टर्ब किया तो जान से मार डालूंगा। ये क्या भाई, मैं तुम्हारा दोस्त और मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो? सुनो बाब, हमें एक जरूरी काम से जाना है, तैयार रहो। तैयार रहना, ये ले अपने पैसे, तू अपना काम कर, मैं तेरे साथ मिलकर कोई काम नहीं करूंगा। उस स्वर्णनाग को मैंने देखा है, वो जापानीज कमांडर आदि मानवों को मारते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसको भगाते हुए मैंने उसका पीछा किया, आखिरकार मैंने उसे देख लिया। इतने में आदि मानव ने उसे मार दिया। तुमने उन लोगों से बात की? नहीं। तो वो स्वर्णनाग का क्या हुआ? मैं नहीं जानता, उस वक्त वहीं था। तुम वहां से बच कैसे निकले? आदि मानव ने मुझ पर वार किया, मैं जख्मी हो गया, उन्होंने मुझे नदी में फेंक दिया, उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। इसी बात का हमें शक है, तुम दोनों ही तो उस जंगल में गए थे, इसने जब तुम्हें ढूंढा तब तुम वहाँ नहीं मिले, लौटने के बाद तुमने इनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने सोचा कि मैं मर गया होगा, यही ना? मेरी उम्र लंबी है इसलिए अब तक जिंदा हूँ। हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग उस स्वर्ण नाग को हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसीलिए हम आपसे उसका डिटेल्स पूछ रहे हैं। वो आतंकवादियों के हाथ लग गया तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए बताइए बताइए कि उस स्वर्ण नाग को किस तरह से हासिल किया जा सकता है। आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, इन्हें वो क्लिपिंग्स दिखाओ, तभी इन्हें उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। जल्दी दिखाओ। दिन मैंने जो देखा वो स्वर्णनाग बिल्कुल ऐसा ही था। नेक्स्ट। उसका पूरा हुलिया बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी खासियत सिर्फ ये नहीं कि ये सोने से बना है, जो भी इसे हासिल करता है उसे अद्भुत शक्ति की प्राप्ति होगी। यही वजह है दुनिया भर में बहुत सारे लोग इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई सालों में बहुत से लोगों ने इसकी तलाश में अपनी जाने गंवा दी है। वहाँ जाकर जिंदा लौटने वाले सिर्फ तुम ही हो, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अभी जो तुम स्लाइड देख रहे हो उसकी भी एक खासियत है। हमने सुना है कि सांप की तरह लगने वाली इस गुफा के अंदर ही वो स्वर्णनाग मौजूद है। उसे पाने के लिए ही वो जापानी भी वहाँ गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक इसकी कोशिश में है। इसे पाने की हमारी कोशिश मेरे ख्याल से बिल्कुल बेकार है। तुम अपनी राय बाद में बताना, पहले उनकी बात सुनो। मेरी बातों पर ध्यान तुमने कब दिया? सिपुरा नाम की एक औरत ने ही स्वर्णनाग को बनाया है। ये बुरे लोगों के हाथ लगा तो दुनिया की तबाही हो जाएगी, उसे रोकना ही हमारा मकसद है। किसी तरह जापानियों को रोक के इसे उनके हाथ लगने से बचाना ही हमारी सरकार का आदेश है। जापानी आतंकवादी भी इसे ढूंढ रहे हैं, ये उन्हें नहीं मिलना चाहिए, उन्हें नाकाम करना ही हमारा काम है। इस काम को आपने बड़े आसान तरीके से बता दिया। हमें सरकार की बात माननी होगी ना। ये क्लिपिंग्स देखिए, आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। ये कौन है? ये है सिपुरा, उस स्वर्ण नाग को बनाने वाली तांत्रिक यही है। ये क्या वीडियो क्लिपिंग है? हाँ, उसे ऐसे ही चलाइए। ठीक है सर। ये बहुत ही खतरनाक बुढ़िया है, इसने उस स्वर्ण नाग को क्यों बनाया ये कोई भी नहीं जानता। उसकी हिफाजत का जिम्मा सर प्राणी और आदि मानवों पर छोड़ दिया। इस वक्त अंदर कौन आ रहा है? सॉरी सर, ड्रिंक लेकर आया है। ठीक है, देखकर जल्दी जाने के लिए बोलो। हो गया, फौरन लाइट ऑन करो, अंधेरे में रहना मुनासिब नहीं है। इस क्लिपिंग्स को देखने के बाद मुझे एक बात का एहसास हो रहा है, वो स्वर्णनाग अभी तक वहीं पर है। आप तो वहाँ एक बार जा चुके हैं, ये मिशन कैसे कामयाब हो आप ही बताइए। मुश्किल है, कामयाबी नामुमकिन है, और वहाँ जो भी जाएगा आदि मानव उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो इसलिए कि आदि मानव नाग की हिफाजत करना चाहते हैं। क्या हो रहा है? आ,
अरे अरे इसका हाथ देखिए, ये आतंकवादी होगा या असीपुरा का आदमी होगा। अब तो आपको यकीन हो गया ना, स्वर्ण नाक कुलाना कितना मुश्किल है। ये ले ये ले। सीधे गुफा में घुसकर सोचा कि उस स्वर्ण नाक को हड़प के लाऊंगा, लेकिन कहानी में मोड़ आ गई। कहानी में मोड़ आने का जिम्मेदार तू ही है। अगर उसी वक्त हम दोनों एक साथ गए होते तो किसी भी हालत में उसे हासिल कर लिए होते। तू सिर्फ मुझे जाने के लिए कहा ना। करेक्ट, लेकिन उस स्वर्ण नाक को लाने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है, जरा यहाँ देखो। अगर कोई आतंकवादी उन्हें हासिल करने की कोशिश करेगा तो किसी भी हाल में उन्हें इसी रास्ते से ही जाना होगा। तुरंत नौसेना को खबर करके हम उन्हें पकड़वा देंगे। हमारा मकसद उन्हें पकड़ना नहीं है, उस स्वर्ण नाक को हासिल करना ही हमारा मकसद है। तुम्हें हर बात की जल्दबाजी है, जो भी करो सोच समझ के करो। हाँ ठीक है ठीक है। सच बताओ, जब तुम वहाँ थे तो तुमने स्वर्ण नाक को उठाया तो नहीं? शुरू हो गया, पता नहीं तेरे साथ तेरी जोरू कैसे जी रही है। तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे डिवोर्स लिए 6 महीने हो गए हैं। इतने साल जो तेरे साथ रह ली वो बहुत बड़ी बात है। बात मत बदलो, तुम भी एक अफसर हो ना, मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपने आप को अफसर कहते मुझे जंगल में अकेला छोड़ के आ गए? जो बीत गया उसके बारे में मत बोला करो। हमें कब चलना है? सारा इंतजाम करने के बाद हम दोनों चलेंगे। बाय। हाय, एक पैक बनाओ। ओके सर। हेलो मिस्टर बॉब। हेलो सर, कैसे आना हुआ? शॉप फरमाएंगे? इसलिए थोड़ी आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने आए? मुझसे क्या काम पड़ गया? स्वर्ण नाक को हासिल करने आप जा रहे हैं ना, यही पूछने आया हूँ। मैं और मेरी नीस उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप अपने साथ हमें ले चलेंगे तो हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम जानता हूँ। फिर भी आप हमारी मदद कर सकते हैं ना, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। देखते हैं। सुनिए, उस स्वर्ण नाक के बारे में आपसे ज्यादा जानकारी हमारे पास है। अगर ऐसा है तो जाके ढूंढ लीजिए, आप खुद हमारे पास आएंगे। एक जाम बनाओ। आवाज कैसी? क्या साहब, आपने तो हमारा होटल तहस नहस ही कर डाला। इसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत नुकसान हो गया है। फिक्र मत करो, फिलहाल से काम चल जाएगा ना। हाँ, बोलो। हाँ हाँ बहुत है। और भी चाहिए तो बोलो, चिल्लाओ मत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, अब आप तुम जाके अपना काम करो। इस तरह बोला मत करो, अगर फौजी से पंगा लोगे तो तुम्हारा होटल खाली हो जाएगा। हम
किस कदर स्टडी हैं इसी से पता चलता है। तुझे चढ़ गई है। चीयर्स। अरे जॉन, ये वही लड़की है, मैंने कहा था ना जंगल में मुझे एक लड़की मिली थी, ये वही है। मैंने देखा लड़की थी, तूने देखा बुढ़ा था। लगता है मुझे चढ़ गई है, अब मैं संभाल नहीं सकता, चलता हूँ। हमारे साथ डांस कीजिए ना। आओ डांस करो, आप ही आइए ना, बहुत मजा आएगा। अरे मुझे डांस नहीं, सिर्फ भंगड़ा ही आता है, ये देखो। अरे अरे वहां देखो, पीछे लड़की आ गई। अरे मुझे जाने दे, मैं जाके उस लड़की को पकड़ूंगा। सॉरी। ये वहीं पर थी, मैंने देखा, मैं बोल रहा हूँ ना, उसी लड़की को मैंने आदि मानवों के साथ देखा था। कमाल की याददाश्त है, मान गए बच्चों। अच्छा ये बताओ, आदि मानवों के साथ रहने वाली लड़की यहाँ भला कैसे आएगी? इसमें कोई शक नहीं कि तुझे चढ़ गई है, मेरी तरह स्टडी रहो। तू कितना स्टडी रहता, मैं देख ही रहा हूँ। जून, वो सांप यहाँ कैसे है? नहीं जानती। यहाँ कोई आया था? तुमने किसी को देखा? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो ये पहले नंबर लगाएगा, ये मैं जानता हूँ। ऊपर से खूबसूरत लड़की तो पूछने की जरूरत ही नहीं। आखिर बात क्या है, लड़की क्यों रो रही है? कहो तो मैं कोई मदद करूँ। उन लोगों ने आप पर हमला किया, इसका मतलब है आप भी उस शर्मनाक के बारे में जानते होंगे। थैंक्स। मैंने बहुत पहले ही बॉब से इसके बारे में बात की थी, लेकिन उन्हें हमारी बातों में दिलचस्पी नहीं थी। चलो जाने दो, सोचकर हमने खुद जाने का फैसला किया। इसका मतलब आप और आपकी नीस मिलकर इसका पता लगा लेंगे? आप नहीं लेंगी? ये ड्रिंक बहुत अच्छी होती है। नो थैंक्स। इनकार मत कीजिए, बहुत बढ़िया है। सच कह रहा है, बहुत बढ़िया होती है। वो स्वर्णनाग के बारे में आप जो भी जानते हैं बताइए, हमें जो पता है वो हम आपको बताएंगे। इसमें दोनों को फायदा होगा। इसमें मुझे कोई इतराज नहीं। ठीक है, आपको जो भी मदद चाहिए उसके लिए हम तैयार हैं। ये लो तुम्हारा ड्रिंक। आपने इनकार किया तो सोचा क्या, बिल्कुल पीती नहीं है। अच्छा तो आप वाइन की शौकीन है? उस स्वर्णनाग के बारे में आप क्या जानती है? मैं 5-6 सालों से उसकी रिसर्च कर रही हूँ। उसकी शक्ति अच्छाई के लिए भी काम आ सकती है, बुराई के लिए भी। काफी लोगों ने उसे हासिल करने की कोशिश की है, मगर उन आदि मानव से उसे हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो लोग उसे भगवान मानते हैं, उसकी खोज में आने वालों को मार डालते। इसी वजह से तो आप पर हमला हुआ था। लेकिन बच भी तो गया, ये हुई ना बात। उस सर प्राणी को मैंने देखा है और वो हू बहू आप जैसी ही थी। पता नहीं आपकी बातों पर विश्वास करूं या नहीं, मैं उस सर प्राणी को फौरन देखना चाहती हूं। ये कौन सी बड़ी बात है, जब हम लोग वहां जाएंगे तो सर प्राणी से भी मिलेंगे। कैसी बात कर रहे हो, यानी हम सब मिलकर जाएंगे? फिक्र मत कीजिए, आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाएगी। हम सब जंगल जाएंगे और उस स्वर्णनाग को लेके आएंगे। ओके, फिर मिलते हैं।
गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अबे रुकना, उन लोगों को हमारे साथ ले जाने का तुम्हारा मकसद क्या है? मैं जो कुछ भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ, तुम्हें क्या इतराज है? उसी लड़की के जरिए इस काम को निपटा दूंगा मैं। अभी बहुत दूर जाना है, पहले पेट्रोल भरते हैं वरना गाड़ी रुक जाएगी। पहले पेट्रोल पंप चल। ये शहर नहीं जंगल है, ये मत बोलना। पास में एक पेट्रोल पंप है, उसके पास एक मार्केट भी है, जो चाहे खरीद सकते हैं। अच्छा, टैंक फुल करो, तुम मेरे साथ चलना जी, बाद में यार चेक करना। ओके सर। हमें बहुत कुछ करना है, उस लड़की के पीछे वक्त जाया मत करो, जल्दी आ जाओ। इसका दिमाग फिर गया है। हाय जून, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छोड़ दो सर, छोड़ दो। और कितनी दूर जाना है? अब ज्यादा दूर नहीं है साहब। छोड़ो, छोड़ो मुझे। बेवजह परेशानी मोल लेता है। अरे बोलो तुम लोग, अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ठीक हो जाएगा। बोले
बाहर निकलने की कोशिश की तो जिंदा जला देंगे। चलो उस तरफ चलते, इधर आ जाओ। तुम स्वर्ण नाग की तलाश में फिलीपींस मत जाओ, उसमें अद्भुत शक्ति है जिसे आम आदमी द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। वो स्वर्ण नाग सिर्फ सिंह राशि में जन्मी कन्या की हिफाजत में ही रहेगा, इसलिए मेरी तरह सिंह राशि में जन्म लेने वाली तुम्हारी बहन को अगवा कर ले गई और उसे सर्प्राणी बनाकर आदि मानवों के बीच स्वर्ण नाग की हिफाजत के लिए छोड़ दिया। अगर कोई भी उसे हासिल करने की कोशिश करेगा उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अपने इस नापाक इरादे को छोड़ दें, वरना शाम द्वारा आप लोगों की मृत्यु निश्चित है। वो सर्प्राणी तुम्हारी बहन है? तुम लोग यहां से बच नहीं पाओगे। सब अपनी मर्जी से करते हो। अबे मुंह बंद कर, रस्सी जल गई बल नहीं गया। रुको मत, चलते रहो। और से भागो। Come on, जल्दी आओ।
उस बस को रोको। रोक दो, रोक दो। आइए साहब, जल्दी करो, जल्दी। ये हम तीनों के लिए हैं। अरे ये तो बहुत कम है, इसी से काम चला लीजिए ना। ठीक है अंदर जाके बैठो। ये कैसी माला है? ये तो अपने अपने विश्वास की बात है। विश्वास जरूरी है लेकिन अंधविश्वास नहीं। जब तक ये माला मेरे हाथ में है तब तक मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये दी थी, बरसों से ये माला मेरे हाथ में है। अपनी दोस्ती की निशानी समझकर मैं हमेशा इसे अपने पास रखता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो भी हमेशा मेरे साथ है। तुम्हारी दोस्ती की दाद देता हूँ। दुनिया में कुछ बातों पर विश्वास करना ही पड़ता है, उस विश्वास पर ही दुनिया कायम है। ठीक है रास्ते में समस्या तो नहीं होगी? समस्या कहाँ नहीं है साहब, सामना तो करना ही पड़ता है। देख लिया, समस्या खुद ब खुद आ गई। तुम्हारे पास और गोलियां नहीं? नहीं साहब, वेस्ट मत कीजिए, संभाल लीजिएगा। कौन तुम लोग जहाँ देखो पीछा करते रहते हो? तुम बहुत चला लिए, ठीक से पकड़ो। ये मेरी बात है, ऐसे मैं ही चला। अबे मुंह बंद कर, अबे चुप कर ना। खलास हो गए सर। अच्छा बहुत बढ़िया चलाते हो। वहां जाने के लिए और कितनी देर लगेगी? आधा घंटा और लगेगा। ठीक है, ए बस मुझे दे, मैं चलाऊंगा, तू देर से चलाएगा। ठीक है तुम ही चलाओ। शुक्रिया, सब लोग यही उतर जाओ। जल्दी आओ, संभल के उधर के। अरे तुम ठीक तो हो ना? होशियार रहना। लगता है आप दोनों का मामला जम गया है। अबे चुपचाप गाड़ी चलाना। अब लगता है कोई समस्या नहीं होगी। हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। चलो वहां देखो, वहां दूर आइलैंड दिख रहा है ना, उसी आइलैंड में एक साल पहले मैं फंस गया था। मेरा दोस्त जो मर गया ना, उसी की वजह से। संभाल के चलाना। वो देखिए वो लोग आ रहे हैं साहब। शिट, आप क्या करें? कुछ भी हो सकता है, संभल के रहना। वो लोग करीब आ गए, तुम बस रोकना मत, चलाते रहना। जून, जल्दी नीचे कूदिए। देखो मेरे कूदने के बाद तुम्हें कूद जाओ। अरे आप कूदिए। समझ रहे मेरी बात? हाँ। बाप, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ।
चलो। समझ गया। लगता है अंकल आ गए। अब हमें उस आइलैंड जाना है। सी प्लेन से ही जा सकते हैं। आपने उन्हें आने को कहा? लगता है तुम्हारे अंकल अपने आप आ गए। ये लोग हमारा पीछा कर सकते हैं। जल्दी करो। आपके साथ आया बाकी दोनों कहाँ हैं? उनके बारे में तुझे क्यों? अरे मैंने ऐसे ही पूछ लिया, आप क्यों बिगड़ रहे हैं? सर। तुम जाओ, मैं आता हूं। अगर पता चलता कि आप प्लेन में आने वाले हैं तो हम भी साथ आ जाते। वो दोनों बच तो गए होते। उनकी मौत के बारे में सुनकर ही मैंने ये इंतजाम किया। बहुत खुशी हुई। आपको कैसे पता चला कि वो दोनों मर गए? वो मिलिट्री ऑफिसर थे ना, हेडक्वार्टर में न्यूज आ गई। फिर भी वो लोग कुछ नहीं करेंगे सोचकर ही मैंने हवाई जहाज का इंतजाम किया। आपकी काबिलियत की दाद देनी होगी। मरने के बाद कहानी सुना रहे, कहानी। आपके यहाँ आने का कोई दूसरा कारण तो होगा ही। इसका मतलब है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? इन हालात में तुम्हें शक होना लाजमी है। जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। देखो बाप, तुम्हारी जज्बात को मैं समझ सकता हूँ, फिर भी प्लान बनाने वाले मुझ पर ही शक कर रहे हो। आप मेरे साथ आने वाले थे, अब आप कह रहे हैं कि आपने प्लान बनाया? तुम्हारे दोस्त की मौत की वजह से तुम काफी डिस्टर्ब हो गए हो। यानी मैं पी के बड़बड़ा रहा हूँ? ये बताइए, अपने आप को समझते क्या है? सोचा आप टुकड़े फेंकेंगे और हम उसे उठाकर स्वर्ण नाग आपके हवाले करके हम चलते बनेंगे। अच्छा होगा आप अपने ख्यालात बदल लें। यहाँ पर एक सरकार है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम ये बेकार के बकवास करना बंद करो, समझ गए? आप दोनों बेकार में आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इन्हें मेरी फिक्र हो रही होगी इसलिए आए होंगे। ये तुम्हारी फिक्र से नहीं, इन्हें स्वर्ण नाग चाहिए इसलिए आए हैं। आप सचमुच उसके लिए आए हैं? तुम बेवजह क्यों टेंशन ले रही हो? रिसर्च के लिए तुम्हें उसकी जरूरत है, ये तुम्हीं ने तो बार बार कहा था। दोनों मिलकर अच्छा नाटक कर रहे हो। हाँ, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उसे हासिल करूंगा, इसका पूरा यकीन है मुझे। उसी यकीन के साथ उसे ढूंढ निकालो और मेरे हवाले करो। उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं देता हूँ। मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। आप मुझे मालामाल करेंगे? मैं अपनी जान की बाजी लगाऊं, आप उसकी कीमत देकर उसे हासिल करेंगे? बाप मेरी बात मानो, रुक जाओ। हमें उसी आइलैंड पर जाना है, प्लेन वहीं उतारो, समझ गए? ओके सर। मैप देखिए, सही जगह बताओ। मैं देखकर ही बता रहा हूँ, प्लेन वहीं उतारो, मुझे कोई शक नहीं है। और कितनी देर लगेगी? ठीक उस जगह पे जाने के लिए हमें और 10 मिनट लगेंगे। जल्दी करो, देरी मत करो। संभाल के। उस तरफ चल के देखते हैं, चलो। जल्दी करो, आ जाओ। Thank you.
पिछली बार यहां एक प्लेन क्रैश हुआ था। हमला हुआ था, यहीं पर मैंने उन आदिमानव और सरप्राणी को देखा था। लाई थी ऐसा उस जादूगरनी सिपुरा ने हम दोनों को बताया था ना। यहां के सारे आदि मानो उसे भगवान की तरह मानते हैं। वो सारा दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है। खैर उन बातों को छोड़ो, अगर वो सरपनाक मिल जाए तो तुम क्या करोगी? सरकार को सौंप दूंगी। तुम भी पूरे अपने अंकल की तरह बोल रही हो, किस लिए तुम दोनों सच्चाई मुझसे छुपा रहे हो? तुम दोनों का मकसद सिर्फ उतना ही नहीं है, कम से कम अब तो सच बता दो, किस लिए उसे ढूंढ रहे हो? पैसा बनाने के लिए ही हम उसे ढूंढ रहे हैं, मिल जाए तो सरकार को ही बेच देंगे। तुम अपने अंकल से ज्यादा ईमानदार लगती हो। हे, कोई आवाज सुनाई दे रही है, कौन है? देखो, आदि मानव है या हम लोगों को ढूंढने वाले हैं, अब क्या करेंगे? चलो उस तरफ जाके छिप जाते, चलिए। वहां एक जगह दिख रही है, चलिए। और कितनी दूर जाना है? करीब आ गए, चलो। लगता है वादी मानो आ रहे हैं। वो बैनक ले दीजिए, ये लो। हाँ वही आ रहे हैं। शोर मत मचाओ। बोलो
लोग उस गुफा की तरफ जा रहे हैं। शोर मत मचाओ, अगर उन्होंने सुन लिया तो हमें जान से मार डालेंगे। किस्सा खत्म, हमारी बलि चढ़ा देंगे, हमें होशियार रहना होगा। वो यहाँ पे कैसे रह रही है? मुझे उसे फौरन मिलना है। मेरे साथ चलो। शूट किया तो सारे आदिमानव आ जाएंगे, फिर हम वहां पहुंचेंगे कैसे देखते हैं। उस तरफ रास्ता ही चलिए। यहां कुछ भी हो सकता है। अंकल, मेरी बहन की तस्वीर। इससे मालूम पड़ता है उसे सब कुछ याद है। बिल्कुल, मैं जाके उसे ढूंढती हूं।
आप पता चला हम यहाँ क्यों आए हैं? असली वजह यही है। अब बस भी कीजिए, बहुत ड्रामा हो गया। चलिए मेरे साथ, जिसकी तलाश में आए उसे ढूंढते हैं। तुम्हारी बहन नहीं आई, लेकिन उसे यहीं कहीं होना चाहिए। संभल के रहना। तुम कहीं हो इसकी उम्मीद थी, लेकिन यहां मिलोगी सोचा न था। क्यों आई हो? चलो। हाँ, स्वर्णा की हिफाजत के लिए ही मुझे यहाँ रखा है और इसीलिए ही मुझे भगवान मानते हैं। अब तुझे देखने के बाद ही मुझे पुरानी बातें याद आ रही हैं। जिस रास्ते से आए उस रास्ते से लौट सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अप्रैल, तुम्हें तो पूरे रास्ते मालूम होंगे, तुम भी हमारे साथ चलो। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता? मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकती। आई तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश भी मत करना। तुम लोग चले जाओ। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। इतने दिन तक हम दोनों अलग रहे, तुम्हारी कितनी याद आ रही थी पता है? तुम्हें हमारे साथ आना होगा, आना ही होगा। नहीं आऊंगी। बात नहीं मानोगे? आना पड़ेगा। क्यों, ये क्या करे? आप इसमें दखल मत दीजिए। ओके ओके ओके, हिलना मत। ये तुम क्या कर रहे हो? इसे मुझे दो, वो स्वर्ण नाग हमें चाहिए। तुम नहीं समझोगे, हमने पहले से ही स्वर्ण नाग के लिए ये ड्रामा किया, तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए ही ये किया। आप जान गए वो स्वर्ण नाग कहाँ है, उसे लेकर हम निकल जाएंगे। नहीं, उसके पास मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। दीदी मत जाओ, मेरी बात मानो। दीदी अप्रैल चलो। दीदी संभल के, किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम चलो, उन्हें वो नहीं मिलना चाहिए। वो देखो, वही सोनानाथ की गुफा है। देख लिया जोन, हमारी मंजिल सामने है। वो देखो स्वर्णनाग, उसे उठा लेते हैं। चलो संभल के। इन लोगों ने गुफा को घेर लिया है, अब क्या करें? मैंने पहले कहा था ना कि यहाँ से बच पाना मुश्किल है। किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। संभाल कर मेरे पीछे आओ। अरे क्या तुम पागल हो गई हो? वो
वो जहर तुम क्यों पियोगी? एक दगाबाज दीदी की बहन बनके मैं क्यों जीऊं? उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे मार दीजिए। चलो मेरे साथ, चलो चलो। मुझे छोड़ दीजिए। चलो मेरे साथ। मुझे मार दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। चलो चलो, मेरी बात सुनो। चलो चलो, मेरी बात सुनो। यही पे स्वर्गनाग है। चलो इस तरफ रास्ता दिखाई दे रहा है, चलो। संभाल कर आओ। देख के वहां खतरा है। रुको रुको, अगर गिर गए तो बस। यहां तो कदम कदम पर खतरा है। इसे लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा। तेरे लिए मैंने जान को जोखिम में डाला। शायद उठा नहीं पाएंगे। तुम आकर उठाओ, पहले तुम्हारी जान लूंगी। ये क्या कर रहे हो जून? तुम्हें मरना होगा। आखिर मर ही गया। Thank you.
की शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत से दुर्जन लोग इसे हासिल करना चाहते हैं। इसके यही रहने में ही सबकी भलाई है। इसे दुष्शक्तियों के लिए नहीं, आम लोगों की भलाई के लिए ले जा रहा हूँ। इसका जो भी अंजाम होगा उसके तुम ही जिम्मेदार हो। फिर में वो यही आएगा, देख लेना। संभल के चलो, चलो मेरे साथ चलो। चलो बाहर चलते हैं। इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। यहीं पर इसे छोड़ दिया तो इसे कोई भी हासिल कर सकता है। अगर सरकार के हवाले कर दिया तो कोई भी समस्या नहीं है। लगता है प्लेन आ रहा है। लगता है ब्लास्ट कर रहे। चलो अच्छा है, बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वो लोग उस तरफ से आ रहे थे। जल्दी प्लेन पर पहुंचना है। अब क्या सोच रहे हो, चलो। लगता है जान हथेली भी लेके भागे आए हो। हाय जॉन, सोचा था कि तुम मर गए हो लेकिन अभी तक जिंदा हो। अबे ये देख, हथेली पे स्वर्ण ना गए, बड़ी मुश्किल से लाया हो, अब तो मेरी जान छोड़ दे। ए जॉन, ये क्या खुलियाई बदल दी तुमने। जॉन, जो भी हो इस प्लेस में बहुत जच रही हो, संभल क्या हो। तुम्हारी मदद के बदले में एक छोटा सा तोहफा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। तू कभी नहीं सुधरेगा। अरे मैं सुधर के क्या करूंगा, अब सुधरना है तुम्हें। चलो किसी तरह उस स्वर्णनाग को सरकार के हवाले कर दिया। हमने अपना फर्ज निभा दिया, इसी बात की खुशी है। तुमने फिर से आके मेरा साथ दिया, इस मामले में तुम्हारी मदद को मैं कभी भूल नहीं सकता। इस खुशी में मैं एक पार्टी देना चाहता हूँ, शाम को फ्री हो क्या। अगर फ्री नहीं हो तो मैं तेरे लिए फ्री हो जाऊंगा। हाय। अरे वाह, इस ड्रेस में बिल्कुल जून की तरह लग रही हो। अरे वो हाई हील पहन के चल नहीं पा रही है। तो क्या हुआ, जल्द ही सीख जाएगी। बॉब, तुम ऐसे खिलाड़ी हो, सब कुछ सिखा दोगे। सब कुछ सिखा दूंगा। बेचारी, हाई हील सैंडल क्यों दिलाई तुमने, जंगल में चप्पल ही नहीं पहनती थी, अब देखो कितनी तकलीफ उठा रही है। सर,
ये हाई हील मेरे बस की बात नहीं है। आई लव यू। आई टू लव यू। एक खुशी से भरी जिंदगी की शुभकामना के साथ। शादी पे आकर ये डायलॉग बोलना, वहीं पे अच्छा लगेगा। शादी के बाद मुझे भूल मत जाना, वरना पिटोगे बच्चों। चलो इप्रे। वैसा ही है, उल्टी बातें करते रहता है। आपका दोस्त है ना, वो स्वर्णनाग आपने दे दिया? ओफो, उसकी याद मत दिलाओ, उसे भूल कर हम ऐश करेंगे। चलो बाय। अरे अंकल बोल दिया उसको, पलट के देखो, हार्ट अटैक हो गया होगा। बाय।